2024 की सरगर्मी, चुनाव की सरगर्मी गर्मी को भी पार कर गई। हर प्रत्याशी अपने हर एजेंडे का इस्तेमाल कर रही है चुनावी जंग जीतने को। और आप देख रहे हैं सब पर नज़र। अभी जिला कांग्रेस कार्यालय हाउसिंग कॉलोनी में हम लोग खड़े हैं और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस बात को लेकर के कि अनुपमा सिंह पेदाग प्रत्याशी जो धनबाद के लिए लगातार प्रयासरत है और धनबाद की जनता को आश्वस्त करना चाहती है कि उसके जीतने के बाद धनबाद की गरीब जनता, मजदूर और धनबाद की तमाम समस्या पे वो त्वरित कार्रवाई करेंगी, ये अभी मात्र आश्वासन मात्र है। 2024 का चुनाव में हर नेता अपना अपना आश्वासन का चाबुक जो है पब्लिक पे मारते रहता है। आगे देखते हैं कि 2024 का पलड़ा किसके पक्ष में गिरने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज कोई विशेष बात को लेकर हम नहीं आए, पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व महाकुंभ चल रहा है। धनबाद भी इस देश का हिस्सा है, लोकसभा के चुनाव यहाँ भी होने हैं। मैं ये आज आप लोगों के माध्यम से करने आया हूँ और धनबाद के मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी को हराना, नरेंद्र मोदी को हटाना या दूसरी बात है। पहली बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का जिस तरह से गला घोटने का काम किया, जिस तरह से संविधान को बदलने का प्रयास किया, यह देश के लिए बहुत ही घातक बात है। और देश को बचाने के लिए इस सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। और देश से हम धनबाद में बैठे हैं, देश की बात बाद में करेंगे, धनबाद को भी बचाने की आवश्यकता है। और हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो समाचार पत्रों के माध्यम से, देश मीडिया के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का जो इतिहास आया, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं धनबाद के मतदाताओं कि लोकतंत्र को जो इंसाफ होकर उसके तराजू को उठाकर एक मंत्र पर कांग्रेस पार्टी के नीति और सिद्धांत को रखें, हमारे उम्मीदवार को रखें, अनुपमा सिंह को रखें, ये पेदाग छवि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत और उनके उम्मीदवार की छवि को रखें। हम डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन हम दावे के साथ कर सकते हैं कि कांग्रेस का पर्दा हमेशा भारी है और भारी रहेगा। साथ लोकतंत्र है, हम धनबाद की मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो निष्पक्ष और निदान। अनुपमा सिंह जिस घराने से आती है, तो राजेंद्र बाबू जो मजदूरों के नेता थे, मजदूरों के हित की लड़ाई पूरे देश स्तर पर लेकर के माध्यम से लड़ते रहे, जीवन पर्यंत लड़ते रहे, उस घर की उनकी बहू है। उनका बेटा आज भी वो जनता की सेवा कर रहे हैं विधायक के रूप में। तो निश्चित रूप से एक विशुद्ध राजनीतिक जो घराना है और राजनीतिक घराने की सोच वो बराबर जनता के हित में होती है, किसान मजदूरों के हित में रहती है, बराबर उन लोगों के हित में लड़ने की बात सोचता है वो, वैसे लोग वैसे नेता। तो अनुपमा सिंह उस तरह की उम्मीदवार कि अगर वो जीतेगी तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के धनबाद को आगे बढ़ाने के लिए, धनबाद के विकास के रास्ते पर लाने के लिए, विकास दिखाने के लिए बने। और बाकी लोग जिनकी छवि वैसी होती है वो अपनी छवि के अनुसार ये कहा जा सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं, अपने लिए चुनाव लड़ते हैं, अपने को मजबूत करने के लिए लड़ते हैं। और पिछले 10 वर्षों में ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी क्या किए नहीं किए, देश की जनता देख रही है। और यही कारण है कि वो आवादा है 2024 में कि एनी हाउ एनी कॉस्ट भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करना है, सत्ता से हटाना है और नरेंद्र मोदी को हटाना है। ये जनता का डिमांड है, आपका ये जनता पूरे देश में आप चले जाइए, कहीं कोई लहर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पसीने छूट रहे हैं जनसभा में, कोई अब जुमला का कोई शब्द उनके पास नहीं पहुंचा। मैंने सारे 10 वर्षों में वो अपना जुमला स्टेटमेंट किया है, पब्लिक स्टेटमेंट किया ओपनली, उसमें से 10 में से 8 पब्लिक का जो है, हम एक एवरेज बता रहे हैं, 10 में से 8 पब्लिक जो है बीजेपी को वोट दे रही है,
उसमें से एक जो है जो जीतेगा उसको हम देंगे और एक हमको मिला जो कांग्रेस के लिए बोला था कि हम शायद हम कांग्रेस को नहीं। अब आप बताइए, मैं आपके सर्वे मोदी के गोताखोर की देखो, मैं आपके सर्वे पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता। हम अपनी राजनीतिक सामाजिक जीवन जीते हैं, हम लोग भी जनता का लक्ष्य कर बोलते हैं, थर्मामीटर हम लोग भी लगाते हैं। कल मैं रांची से आते बोकारो से लेके और धनबाद पर जसपुर जगरोध को आम लोग होते हैं चौक चौराहे पर चाय दुकान व्यापार दुकान हमारी भी बात नहीं। इस सरकार से जो गांव में रहने वाला गरीब है, मजदूर है, किसान है, किस तरह से आहत है, आर्थिक रूप से किस तरह से टूट चुका है, ये हम लोगों को भी बता रहे हैं। और यही कारण है कि गुस्सा गुबार नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, उसको नहीं रोका जा सकता। चलिए, आप दो बातें आपने कही, एक संविधान बचाने की और एक देश बचाने की। देश बचाने, तो ये बताइए कि संविधान कैसे खतरे में है और देश कैसे खतरे में। बताइए, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था है। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जहाज बेच दिया, बैंक बेच दिया, रेल बेच दिया, खेल बेच दिया, नहीं खरीदा नहीं होगा। क्या खरीदा? इस देश के CBI को, इस देश की ईडी को खरीदी, देश के इनकम टैक्स विभाग को खरीदी। और संविधान बचाने की इसलिए बात कर रहे हैं कि ये संस्थाएं अगर कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी तो देश के अंदर बेईमानी को रोकने के लिए, देश में उन गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए यह संस्था निष्पक्ष संस्था थी। आज उसी संस्था को का दुरुपयोग कर आज तमाम विपक्ष, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप गांव में है बोल लेते हैं, लेकिन एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से एक विपक्ष का नेता बोलता है ईडी और CBI उसके घर को, उसके परिवार को घेर ले रहे हैं, खबरदार, वहां से उठाता है, ले जाके जेल में बंद करवाते हैं। तो क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? नहीं, कहने का मतलब है कि ईडी CBI ये केंद्रीय एजेंसियां हैं, स्वतंत्र काम करती हैं। ठीक है, अगर आपका कहना है कि भाई ये नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रही है, बिल्कुल, तो क्या ये बताइए कि क्या ये इन जिन लोगों को उठा करके जेल में डाल दे रही है, एकदम उनके धुले हुए हैं, निर्दोष है? बिल्कुल मैं जज की कुर्सी पर नहीं बैठा, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान हो, समझदार इंसान हो, आप लोग भी प्रेस मीडिया से जुड़े हो, ईमानदारी से अगर बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर बताइए या उसके गठबंधन के किसी भी नेता कभी ईडीआई घर पर दस्तक दी, CBI दस्तक तक दिया कि साहब हम जांच करें? ठीक है, आप बेकसूर हैं, सारे भ्रष्ट नेता, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितने भी दल हैं, जितने नेता हैं, सारे भ्रष्ट हैं? आपको लगता है ये? यह संविधान का दुरुपयोग है। देश में जो संस्थाएं बनाई गई थी, सारे संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है नरेंद्र मोदी, और एकदम जर्मनी में हिटलर का इतिहास आपने पढ़ा हो, किस तरह से एक विलक्षण शासक था और किस तरह से जर्मनी की सत्ता को अपने हाथ में, अपने कब्जे में रखा था, वहां के संविधान को वहां के अपने जूते से कुचल कर। लेकिन यही इतिहास गवाह है कि उस जो निरंकुश शासक हिटलर का अंत कैसे हुआ था। आज ये 2024, अगर हिटलर के रूप में अगर नरेंद्र मोदी ने 10 साल काम किया है, वो भी अंत आ गया है 2024। देश के निरंकुश शासक नरेंद्र मोदी का अंत 2024 में निश्चित है, और ईडी गठबंधन पूरे देश में पूरी तरह भारी। हम अंत में यही कहना चाहेंगे धनबाद के मतदाताओं से, आप लोगों के माध्यम से, कि बिल्कुल उनका लोकतांत्रिक अधिकार है वोट देने का, जिसे दे, लेकिन वोट देने से पहले एक बार जरूर उस इंसाफ के तराजू पर हमारे पार्टी के नीति संविधान का हवाले के द्वार पर रखेंगे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को। और जब वो पलड़ा खाली लगेगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा पलड़ा कहीं छूटेगा नहीं, अगर वो इंसाफ का तराजू ईमानदारी से उठाया जाए। और हम समझते हैं कि पूरा देश त्राही काम कर रहा है, कि धनबाद अलग नहीं है। धनबाद के लोग पिछले 10 वर्षों से जो यहाँ जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि की भूमिका रही है, एक सांसद की भूमिका रही है, वो धनबाद काफी पीछे चला गया। धनबाद के लोग कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा धनबाद पीछे रहे। धनबाद में विकास, धनबाद में गरीबी, धनबाद से बेरोजगारी कैसे दूर हो, इन बातों पर अगर वो
गौर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ईडी गठबंधन के प्रत्याशी अनु कुमार सिंह को भारी बहुमत से जिताएंगे, यह हमको पूरा भरोसा है। आप देख रहे हैं सब पर नजर, धन्यवाद।